क्लास 8, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, हम व्याकरण विधि बुक से चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने ये जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। इन 6 भेदों में से सर्वनाम के हम पहले 3 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं और इनके विषय में जान चुके हैं। आज हम बाकी के 3 सर्वनामों के विषय में जानेंगे। चौथा सर्वनाम जो है आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए हम कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो करोगे सो भरोगे। इन वाक्यों में आया हुआ जो शब्द सो से संबंध जोड़ रहा है। ये 2 सर्वनाम शब्दों में परस्पर संबंध बताने वाले शब्द हैं और इनको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना डालोगे उतना निकालोगे। तो बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। आम क्या भाव है, झूले पर कौन बैठेगा। इन वाक्यों में क्या और कौन ये शब्द कैसे आए हैं, प्रश्न के रूप में तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पारिभाषिक तौर पर हम इसको इस प्रकार जानते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। आप क्या लाए हैं, बाहर कौन बैठा है, किसे भीतर बुलाऊं, किसका पेन गिर गया। तो इन वाक्यों में जो थोड़ा बोल्ड में छपे हुए हैं, जैसे क्या, कौन, किसे और किसका, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। कभी कभी आमतौर से तो इसका प्रयोग क्या है, अधिकांश रूप से कौन का प्रयोग जो है प्राणी के लिए होता है और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए। बट बहुत ही रेयर केस में अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे मेरे पास 2 चादर हैं, आप कौन सी लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी शब्द चादर के लिए आया है। नाउ नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निजवाचक सर्वनाम, जैसे उदाहरण में मैं खुद कपड़े पहनूंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। इसमें देखिए आपने वाक्य पढ़े। अगला है ऊपर लिखे हुए वाक्यों में खुद और अपने आप जो शब्द हैं वो कर्ता के साथ क्या प्रकट कर रहे हैं, अपनापन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता से अपनत्व का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। बच्चा अपने आप ही तैरने लगा, दादी जी ने खुद पत्र लिखा, वह आप ही बताने लगा मैं स्वयं आ जाऊंगी। तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और निजवाचक में भी किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम में बच्चों ये होता है कि वक्ता अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता आप शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है, श्रोता के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सामने वाले के लिए करता है। उदाहरण देखिए, मैं आप ही गालूंगा, तो ये आप शब्द है निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग। आप गाइए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन रूप में हम जानते हैं। हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पूरी टेबल तो आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी सी है, और इसको पढ़कर ध्यान से अगर आपको लगे कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा जूम क्लास में। 1-2 उदाहरण देखिए। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका कि शब्द है मैं, कर्ता कारक में उसको हम मैं, मैंने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अधिकरण कारक के रूप में मुझ में, मुझ पर, मध्यम पुरुष में, तुझ पर। सर्वनाम शब्दों के जो बहुवचन रूप हैं उनमें किस तरह से प्रयोग होता है, जैसे हम, हमने, अन्य पुरुषवाचक में वे, उन्होंने, उन लोगों ने इत्यादि। तो बच्चों, ये सर्वनाम शब्दों के एकवचन रूप हैं और बहुवचन रूप हैं। हालांकि हम अपने दैनिक जीवन में इनको बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं,
लेकिन फिर भी पूरी टेबल को ध्यान से पढ़िएगा और होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।